अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांची न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। ऐप के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है, एक दरख्वास्त पर लोगों की इज्जत खत्म कर देते हैं। लाहौर में बैठी एक बीबी ब्लैकमेलिंग से काम करवाती है। इस्लामाबाद में अस्पतालों की तामीर के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को भी जल्द तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जमीन की फरोख्त से रोक दिया। रेलवे की जमीन विफाक की मिल्कियत, जेरे इस्तेमाल अराजी, 5 साल से जायद लीज की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, रेलवे की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी की तामीर पर पाबंदी, अदालत ने मामला निपटा दिया। इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों के लिए ऐसा बयान दिया कि इसको शबाज शरीफ को खुली फजा में रखो, तो फिर खुली फजा तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, निकाल दो जी, इसकी बेल लो। चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। जिस मुल्क में दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया जाए उस मुल्क में एहतसाब नहीं होता। और मैं तो हमदर्दी रख रहा हूँ, मैं समझता हूँ शबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन PAC नामंजूर, शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। वजीर रेलवे कहते हैं बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाने से एहतसाबी अमल का खात्मा बेहतर है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा डाकू है, इस आबदार फरार हो गया तो जरदारी भी निकल सकता है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। नैब की अल अजीजिया केस में साबिक वजीर आजम की सजा बढ़ाने की भी इस्तदा, समाअत आइंदा हफ्ते होगी। साई सरकार नैब के निडार पर मलीर नदी अराजी केस की तहकीकात, साबिक और मौजूदा वजीर आला सिंह का आज नैब में बुलावा, कोई नोटिस नहीं मिला, मुराद अली शाह का दावा, कायम अली शाह को भी आज नैब कराची में हाजिरी का हुक्म। शदीद ठंड में पावर प्लांट्स भी बंद, मुल्क भर में बिजली का बहरान शदीद, शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट हो गया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग जारी, मामूलात जिंदगी मुतासर। कराची वालों के लिए नई परेशानी, गैस और बिजली के बाद पानी भी गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल वाटर लोड शेडिंग होगी। लियाकताबाद, नाजमाबाद, पार्क कॉलोनी और शेर शाह के मकीनों को पानी जखीरा करने की हिदायत। पाकिस्तान बाजार कराची से मफरूर मुलजिम पकड़ा गया। सोल्जर बाजार में पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मददगार 15 SSP सेंट्रल के इम्तिहान में फेल। डकैती केतला पर थाना नॉर्थ नाजमाबाद से टाल मटोल, 4 अहलकार मौतल, SHO और मोहर्रर को नोटिस। वजीर आजम का दौरा तुर्की, आज तैयब उर्दवान से मुलाकात होगी। इमरान खान और तुर्क सदर में दो तरफा मूड पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम की कोनिया में मौलाना रूमी के मजार पर हाजिरी। CPAC से जबरदस्त तिजारती सरगर्मियां शुरू होगी। अंकरा में ताजरों से खिताब भी करेंगे। मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए हर हद तक जाने को तैयार। बीजेपी का इम्तिहान, इंतखाबात में अकलियत कार्ड लेने का प्लान। मुसलमानों में फूट और सरहदों पर कशीदगी की तजावीज पर गौर। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी की इलेक्शन पॉलिसी बेनकाब कर दी। पुलवामा में 7 नौजवानों की शहादत पर मकूजा वादी में उदासी। शहदा की नमाज जनाजा में इंसानों का समुंदर उमड़ आया। हुर्रियत कयादत की श्रीनगर में मस्जिद की बेहुर्मती की शदीद मुजम्मत। ट्रंप सरकार के लिए नई मुश्किल, ओपोजिशन की ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत। डेमोक्रेट्स की नैन्सी पेलोसी ने दूसरी बार स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। कहती हैं फंडिंग बिल मैक्सिको दीवार के लिए रकम रखे बगैर मंजूर होगा। अमरीकी कांग्रेस में भी तब्दीली आ गई। तारीख में पहली बार 2 मुस्लिम खातीन की हल्फ बर्दारी। राशिदा तलीब और अलहान उमर ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। एक पहली बाहिजाब कानून साज, दूसरी ने रिवायती फलस्तीनी लिबास पहना।
कसूर की जैनब को दुनिया से गए एक साल बीत गया। ज्यादती के बाद मासूम कली को मसलने वाला दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। नन्ही जैनब के कातिल इमरान के निशाने इबरत बनने के बावजूद बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात का सिलसिला न रुक सका। हर घर में जानी पहचानी जुबैदा आपा की आज पहली बरसी। खाना पकाना हो या घर संभालना, जुबैदा आपा के टोटके और मजेदार पकवान बनाने की तरकीबें आज भी हर खातून खाना के लिए मशकल है। धुंध का सुबह शाम पंजाब के मैदानी इलाकों में डेरे, कौमी शाहराहों पर रास्ते गुम, ट्रैफिक सुस्त रही, पहाड़ों पर गालों की बरसात, फलक पोस चोटियों का हुस्न दो आतशा हो गया। महकमा मौसमियात की आज से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। कितने नर कितने मादा, एक साल में आबादी में कितना इजाफा। लंदन के चिड़ियाघर में जानवरों की सालाना गिनती, बत्तखों, पेंगुइंस, कछुओं और शेरों समेत मुख्तलिफ जानवरों को शुमार किया। हर दुन शाहकार बॉलीवुड का बड़ा मौसिकार आर डी बर्मन को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। पंचम दा के गीतों ने कई दहाइयों तक मुंबई फिल्म नगरी को सुरों की माला से बांधे रखा। मजीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sajnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।